अस्सलाम वालेकुम अरिबान। मैं साहिम तारिक आज आपके फिर खिदमत में हाजिर। आज आपको मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद हाईवे पे ड्राइव करके ना तो इस्लामाबाद के बारे में बताऊंगा, हाईवे के बारे में कि हाईवे पे ड्राइव किस तरह करते हैं। एक तो ये कि आपको ये इंडिकेटर जो गाड़ी में दिए होते हैं ना, ये इंडिकेटर से कोई मकसद होता है। राइट इंडिकेटर राइट टर्न करने के लिए होता है, लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट टर्न करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से ना आपका बिजली का बिल आएगा, ना गाड़ी का फ्यूज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये सामने अगर उस्मान भी आप दिखाएं, ये सामने ना पेडिस्टल वॉकिंग ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत, गवर्नमेंट ने बड़ा खर्चा करके बनाया। और इसके ऊपर 5 बोर्ड लगे हुए जिसमें 80 80 80 60 60, ये 5 बोर्ड लगे हुए लाइटों वाले, बड़े खूबसूरत। ये इनका मकसद आपको पता है क्या है? ये इसका ये मतलब नहीं है कि जिसपे 80 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर आप 80 वाली लेन में चलाएंगे तो 80 किलोमीटर बाद इस्लामाबाद आ जाएगा या 80 मिनट के बाद आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं। या इनका ये मतलब भी नहीं है कि बस ये दिल कर रहा था गवर्नमेंट खर्चा करने का तो यहाँ पे लगा दिया। इनका कोई मकसद है, इनका मकसद ये है कि जिस लेन के ऊपर 80 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने उसमें 80 की लिमिट मेंटेन करनी है। उस लेन की जो स्पीड लिमिट है वो 80 है, ना 80 से ज्यादा ना 80 से कम। और जिस लेन के ऊपर 60 लिखा हुआ है उस पे आपने 60 की लिमिट मेंटेन करनी है, ना 60 से ज्यादा ना 60 से कम। और अगर आप लिमिट मेंटेन करेंगे तो कभी भी ट्रैफिक जैम, रश ज्यादा होना, एक्सीडेंट्स होना, ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जरा सामने से दिखाएं आपको मैं एक चीज बताऊं। क्या देखें, आपने जब लेन चेंज करनी है ना, सबसे पहले आप इंडिकेटर देंगे मैंने अब राइट लेन में जाना है, और राइट लेन आप क्विक जो है वो स्विच कर देंगे, ना इतना डिले डालेंगे कि कमेटी डाल दी है, जब कमेटी निकलेगी तो फिर मैं लेन चेंज करूंगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अभी राइट लेन में कॉन्टिन्यूसली आपने ड्राइव भी नहीं करना होता। ठीक है, अगर आपने 80 मेंटेन कर लिया है डजंट मैटर, आप कर लें, लेकिन आपने सेंटर लेन में या लेफ्ट लेन में थर्ड लेन में गाड़ी ड्राइव करनी होती है। दूसरी बात यह कि आपने हाईवे के ऊपर खास तौर पर या और भी किसी भी रोड के ऊपर आपने अगली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। सेफ डिस्टेंस का मतलब यह है कि जहां पे आपको लगे कि अगली गाड़ी अगर डेड ब्रेक दबा देती है तो आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी, ना कि आप जब उसको लगेंगे तो रुकेगी। ठीक है, उसको मार के नहीं रुकना, आपने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर मैं कॉन्टिन्यूसली 80 पे चलाता रहूं तो ना ये ट्रैफिक खराब होगी, ठीक है, ना मेरा कोई टाइम खराब होगा कि मैंने जिस जगह पहुंचना है मैं उधर लेट हो जाऊं या जल्दी पहुंच जाऊं। भाई मैंने एक टाइम रख के अपने घर से निकलो ना, वैसे भी हमें एक सेफ टाइम 10-15 मिनट पहले अपने घर से, किसी को अगर टाइम दिया तो अपने घर से उससे पहले निकले तो पहले पहुंचे। हमारे पाकिस्तानियों का बड़ा टिपिकल मसला है, जो टाइम दें उससे इंशाल्लाह कह के 1.5 घंटे बाद पहुंचते हैं उस जगह पे। ठीक है, क्योंकि कारोबार, मैंने आपको पहले ही बताया कि कारोबार हमारे है कोई नहीं, नौकरी हमारे पास है कोई नहीं। मोटरसाइकिल, हम जब मोटरसाइकिल या गाड़ी बैठते हैं तो उसको ऐसे भगाना शुरू कर देते हैं जैसे आगे जाके 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट उठा लेनी है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं, वहां बैठ के आराम से किसी के पास जाके चाय पी रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये जो हैजर्ड्स होते हैं ना, ये हैजर्ड्स का कोई मकसद होता है। ये हैजर्ड्स का ये बार काम नहीं होता कि आपने रोड की साइड पे गाड़ी खड़ी की है या रोड के बीच में गाड़ी जब खड़ी करती है तो हमने हैजर्ड ऑन कर दिया। वैसे भी हम रोड के दरमियान में तब गाड़ी खड़ी करते हैं ना कि जब हमने किसी को उतारना हो, क्योंकि हम उतारते रोड के बीच में खड़ी करके ना किसी को भी, ठीक है, या किसी को पिक करना हो तो उसको भी रोड के दरमियान में खड़ी करके पिक करेंगे, साथ हैजर्ड दे देंगे। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला आपको हिट कर जाए उस टाइम तो कहेंगे यार मैंने तो हैजर्ड ऑन किए, बता आपने मुझे क्यों हिट किया। खुदा का वास्ता यार, ये जो हैजर्ड्स होते हैं ये होते हैं कि आगे कोई हैजर्ड है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई वार्निंग आपने किसी पिछले को देनी हो कि यार ये हैजर्ड ऑन किया, इसका मतलब आगे कोई प्रॉब्लम है, वो पिछला थोड़ा सा आपसे मजीद गैप करे ब्रेक के लिए, वो आपको गैप अपने गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करे ताकि अगर आप ब्रेक दबाते हैं तो वो ही ब्रेक दबाए। आप जब हैजर्ड ऑन करें, अगर वो समझता है कि हाँ ये वार्निंग है और बिल्कुल उसको समझना चाहिए कि ये वार्निंग है, तो वो भी हैजर्ड ऑन करे ताकि उससे पिछले वालों को भी पीछे पता लगे कि हाँ यार आगे को प्रॉब्लम है। तो अभी आपने देखा रोड के बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कोई ये मेंटेनेंस काम चल रहा था, तो उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ था, रोड कॉन्स लगाए हैं, वार्निंग दी हुई है, ठीक है, उसके साथ से हमने हैजर्ड्स ऑन करके गुजारे तो पिछले वालों को भी पता लगे कि हाँ यार जिसको नजर नहीं आ रहा, अब ऑब्वियसली गाड़ी मेरे पीछे है उसको आगे नजर नहीं आ रहा ना कि मेरे आगे क्या हो रहा है, तो उसको पता लगे कि आगे कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से भाई ने हैजर्ड दिए। अच्छा भाई, एक जो मैंने कमाल चीज इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर देखी है वो ये है कि सामने आप देखें 5 बोर्ड लगे हुए हैं जिसपे 80 80 80 60 और आखिरी वाले पे मोटर बाइक बना हुआ है।
इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सुल्तान गोल्डन बन के आप आ जाएं और इसके ऊपर छलांग मार रहे हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल जो है ऊपर छलांग मारेगा, इसका ये मकसद नहीं। ये मोटर बाइक की लेन है और ये आप लेफ्ट साइड पे एक वीडियो में वो कल्टस देख रहे हैं, वो मोटरसाइकिल को लेफ्ट से ओवरटेक करके चले गए, ठीक है। लेकिन हम शहनशाह और शहजादे भी हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक मोटर बाइक वाले भाई राइट लेन में आ रहे हैं जाबाज, और ये ऐसा स्टूडेंट है इसने पीछे बैग डाला जो पढ़ने नहीं जा रहा, जो यही हरकतें करने जा रहा है असल में वहां पे। अच्छा ये अब आगे देखिए, रोड के बीच में इन्होंने कैटाइज लगाई हैं, ठीक है, और साथ ही इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से लाइंस लगा के लेन्स को टर्न किया। लेकिन अब ये भाई देखें, ये थर्ड लेन से निकले थे और फर्स्ट में आ गए, ठीक है, तो इस वजह से सारी की सारी रेस भी टूट गई। आप अपनी लेन में रहते हुए टर्न करेंगे, अगर आप अपनी लेन में रहते हुए टर्न करें कभी भी ट्रैफिक खराब नहीं होगी, आपकी गाड़ी नहीं लगेगी, आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अगर आप अपनी गाड़ी से और अपने आप से प्यार करते हैं, लेन डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे आप। ये राइट मैंने यूटर्न लेना है, मैंने इंडिकेटर दे दिया है, मैंने स्पीड आहिस्ता कर ली है, ठीक है, सबको आगे पीछे चौथे महल्ले तक पता लग गया कि भाई ने यूटर्न लेना है, ठीक है। लेकिन वो एक लाहौर नंबर प्लेट की क्रोला, बड़ी माजरत के साथ लाहौर नंबर प्लेट की क्रोला, वो ऊपर से मुड़ी, ऊपर से उत्तू दी पई इन उत्तू दी, यार किधर ऊपर से जा रहे हो, लेन में रखो, किधर तुमने जाके एम्बुलेंस, ठीक है। और अब जब मैं मोड़ूंगा ना तो ये हाईएस्ट वाला ऑब्वियसली मुझे नहीं आने देगा, या ये खुद रुक जाएगा या मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, मैं तो रुकने वालों में से नहीं। तो ये एक तो थोड़ा सा ये मैं बताना चाह रहा था कि हाईवे के ऊपर किस तरह से आपने ड्राइव करनी है। देखिये सीट बेल्ट का लगाना बहुत जरूरी है, ये ऐसी रोड्स जैसी पाकिस्तान में बनी हुई हैं, खास तौर पे बड़े शहरों में जो रोड्स बनी हुई हैं, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ठीक है। ये हम इनको कोसते रहते हैं, ये मसला है, वो मसला है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, हालांकि हम खुद ठीक नहीं होते। तो इस चीज को हम जारी रखेंगे, आपको यही बताएंगे कि पहाड़ पे गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी डिफरेंट वो मतलब ड्राइविंग होती है, और अगर वहां पे आप जो है वो थोड़ी सी गलती कर जाए तो आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है, आपका अपना भी नुकसान हो सकता है। और फिर आपको यही बताएंगे कि ये राउंड अबाउट्स पे गाड़ी किस तरह, राइट ऑफ वे क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको अगली वीडियोस में हम ये बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो भी मेरे मुफ्त के मशरों की तरह मुफ्त है।